आप सभी ने ऐसी कहानियां तो जरूर देखी होंगी जो आपको गूजबम्स देती होंगी, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी भी होती हैं जो सीधे आपके दिल को छू लेती हैं। ऐसी हमारी आज की कहानी है अ मोमेंट टू रिमेम्बर, और शायद आप में से कई लोग इसको अपनी लाइफ से रिलेट भी कर पाएंगे। कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को रेलवे स्टेशन पर अपने साथी का इंतजार करते हुए देखते हैं, लेकिन काफी इंतजार करने के बावजूद भी उसका साथी नहीं आता। दरअसल उस लड़की का साथी दूसरी गाड़ी पकड़कर इसको धोखा देकर भाग चुका है। काफी इंतजार करने के बाद भी अपने साथी के ना आने की वजह से वो लड़की वहाँ से उठकर अपने घर के लिए चली जाती है। रास्ते में वो ग्रोसरी स्टोर पर रुककर अपने लिए एक कोक लेकर वहाँ से निकल जाती है, मगर रास्ते में कुछ दूर जाने के बाद उसको याद आता है कि वो कोक लेना तो भूल ही गई है। इसलिए वो लड़की एक बार फिर से उसी ग्रोसरी स्टोर पर वापस जाती है। स्टोर के गेट पर वो एक अजीब से दिखने वाले बंदे के हाथ में कोक के कैन को देखती है। वो लड़की उस कोक की बोतल को अपनी कोक समझकर उसके हाथों से लेकर पी जाती है। ये क्या बात हुई, कम से कम उससे पूछ तो लेती। खैर इस सीन को याद रखिएगा। कोक पीकर वो लड़की एक बार फिर से वहाँ से चली जाती है, मगर एक बार फिर से उसको याद आता है कि वो अपना पर्स तो उसी स्टोर में भूल आई है। इसीलिए वो एक बार फिर से उस स्टोर की तरफ वापस जाती है। स्टोर पहुंचकर वो अपने सामने देखती है कि उसकी ली हुई कोक और उसका पर्स दोनों वहीं पर रखा हुआ है। ये देखकर वो लड़की समझ जाती है कि वो अभी गलती से उस बंदे की कोक पी गई थी। ये जान वो मन ही मन काफी शर्मिंदा होती है और वहाँ से चली जाती है। अगले सुबह हमको पता चलता है कि इस लड़की का नाम सहरा है। वो एक बहुत ही फेमस कंस्ट्रक्शन कंपनी की सीईओ की बेटी है। अपने फादर के साथ एक कंस्ट्रक्शन साइट की विजिट करने के दौरान सहरा नोटिस करती है कि उन वर्कर्स में से एक बंदे की बाकियों के वर्कर्स के साथ लड़ाई हो रही है। दरअसल इसका नाम चैंग है और ये वही कोक वाला लड़का है। चैंग के अनुसार जिस बिल्डिंग को अभी ये बना रहे हैं वो सही तरीके से नहीं बन रही है, और ऐसा ही चलता रहा तो बिल्डिंग बहुत ही जल्द नीचे गिर जाएगी। बाकियों को उसकी ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, इसीलिए वो सीधा जाकर सीईओ का काम करने से मना कर देता है। अगले दिन सहरा अपने फादर के एक दोस्त के प्रोजेक्ट के विजिट पर जाती है, लेकिन वहाँ पर उसको पता चलता है कि उन्हें एक नए आर्किटेक्ट की जरूरत है, क्योंकि उनके पुराने आर्किटेक्ट ने उनका सारा काम खराब कर दिया है। सहरा के फादर बताते हैं कि मैं एक बंदे को जानता हूँ, पर वो थोड़ा घमंडी है लेकिन काम अच्छा करता है। कुछ ही समय बाद सहरा देखती है कि ये तो चैंग है। चैंग को देखकर सहरा छुपने लगती है, क्योंकि वो नहीं चाहती है कि चैंग उसको देखकर सबके सामने उसकी बेइज्जती करे। सहरा वेंडिंग मशीन से कोक ले रही होती है कि तभी चैंग आकर ठीक उसी तरह बदला लेता है जैसे सहरा ने उसके साथ किया था। इसको कहते हैं जैसे को तैसा। ये देख सहरा मन ही मन खुश होती है। घर वापस लौटते समय एक चोर सहरा का बैग छीनकर वहाँ से भाग रहा होता है कि तभी चैंग अपनी कार का गेट खोलकर उसको गाड़ी से गिरा देता है। सारा सामान इकट्ठा कर चैंग सहरा को अपनी टूटी हुई कार में घर ड्रॉप कर देता है। तब सहरा पहली बार समझ पाती है कि चैंग उतना भी बुरा इंसान नहीं है, ये तो बस इनकी दोस्ती की शुरुआत है। अब धीरे धीरे वो दोनों रोज अपने काम के दौरान मिलने लगते हैं, लेकिन ये खुशियां ज्यादा दिन तक नहीं टिकती क्योंकि चैंग का काम यहाँ खत्म हो चुका था। इसीलिए उसे अपनी पुरानी साइट पर वापस जाना होगा जहाँ सहरा उससे नहीं मिल सकती है, क्योंकि वहाँ उसके डैड भी होंगे। इसीलिए सहरा काम के बाद जब चैंग अपने दोस्तों के साथ होगा तब मिलने का फैसला करती है। शाम को मिलते समय सहरा को अपनी तरफ अट्रैक्ट होता देख चैंग उसको पहली बार किस कर लेता है। नए प्यार की शुरुआत है ये। धीरे धीरे ये दोनों साथ घूमना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे इनका प्यार एक दूसरे के लिए बढ़ने लगता है। इसी बीच चैंग उसे अपनी फेवरेट जगह बेसबॉल ग्राउंड भी ले जाता है, जहाँ पर वो दोनों काफी नजदीक आ जाते हैं। तभी एक दिन काम के दौरान सहरा का दोस्त उससे उसके एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में पूछ लेता है। एक्स बॉयफ्रेंड की बात सुनते ही सहरा के पुराने जख्म हरे हो जाते हैं। दरअसल ये वही बंदा है जो उसको स्टेशन पर छोड़कर भाग गया था। सहरा को उदास देख चैंग उसको एक सीख देता है, जिसे सुन वो फाइनली थोड़ा लाइट फील करती है। सहरा को ऐसा खुश देख उसके डैड उससे पूछ ही लेते हैं कि तुम्हें कोई पसंद आ गया क्या। सहरा शर्मा जाती है और कोई जवाब नहीं देती। तभी उसके डैड कहते हैं अच्छा ठीक है, चलो मुझको उसे मिलवा ही दो। सहरा जाकर यही बात चैंग को बताती है, लेकिन उसकी बात सुनते ही वो साफ इनकार कर देता है, क्योंकि सहरा के फादर के स्टेटस के सामने वो कहीं स्टैंड नहीं करता है। काफी देर मना करने के बाद सहरा उसे पूछती है कि तुम सच में मुझसे प्यार करते भी हो या फिर नहीं, चलो जल्दी मुझको आई लव यू बोलकर बताओ। दोनों इस बात पर खेलने लगते हैं। इसके बाद वो दोनों साथ मिलकर एक रेस्टोरेंट में खाना खाने चले जाते हैं। चैंग उसको काफी समझाता है, लेकिन सहरा भी काफी श्योर थी दोनों को लेकर। तभी वहाँ पर अचानक सहरा के फादर आ जाते हैं और वो चैंग को देखकर कहीं से भी खुश नहीं लगते। उन्हें देख चैंग वहाँ से जाने की कोशिश करता है,
लेकिन सैरा उसको रोक लेती है। काफी देर उन सब के बीच एक ऑकवर्ड सी चुप्पी बनी रहती है। ये देख सैरा वॉशरूम के लिए चली जाती है। सैरा के जाते ही उसके फादर चैंग को भला बुरा कहने लगते हैं, साथ ही कल से उसको काम पर आने से मना कर देते हैं। और मेरे हिसाब से ये सही भी है, क्योंकि कोई भी फादर अपनी बेटी को ऐसे किसी के साथ नहीं जाने देगा, क्योंकि आजकल के लोग लालच में आकर प्यार का झूठा खेल खेलते हैं। तभी वो देखते हैं कि बाहर काफी भीड़ जमा हो गई है, क्योंकि बाहर आते वक्त सैरा बेहोश होकर गिर पड़ी थी। तभी चैंग जल्दी से आकर बारिश के बीच उसको अपने हाथों में उठाकर अस्पताल के लिए भाग पड़ता है। ये देख सैरा के फादर इम्प्रेस हो जाते हैं। वो समझ चुके हैं कि ये हमेशा मेरी बेटी का ख्याल रखेगा। कुछ ही दिनों में दोनों की शादी हो जाती है। सैरा अब चैंग के घर में शिफ्ट हो चुकी है। जल्द ही चैंग को अपने काम में अपने टैलेंट और अपने फादर इन लॉ के कॉन्टेक्ट की वजह से नई ऊंचाइयां मिलने लगती हैं। एक दिन सैरा के फादर चैंग को हैमर देते हुए उससे कहते हैं कि मुझको मेरे फादर ने दिया था। कारपेंटर होना एक सम्मान का काम है, इसीलिए इसको हमेशा अपने पास रखना। इसके बाद हम एक घर का डिजाइन देखते हैं, जिसको देखकर सैरा चैंग से पूछती है कि इसकी इंस्पिरेशन तुमको कहाँ से आई थी, जिस पर चैंग बड़े प्यार से कहता है कि अपनी वाइफ को देखकर। अगले दिन चैंग की एक बड़ी कंपनी के साथ मीटिंग होती है। मीटिंग में उसकी प्रेजेंटेशन सबको पसंद आती है। जल्द ही उसको ये कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। ये खबर सुनकर सैरा बहुत खुश होती है, क्योंकि चैंग अब सच में अमीर बन चुका है। लेकिन वहीं दूसरी ओर सैरा थोड़ी परेशान रहने लगती है, क्योंकि आजकल वो अपने घर का रास्ता भूल जाती है। सैरा डॉक्टर को जाकर ये सारी बातें बताती है, जिसे डॉक्टर रिकॉर्ड कर लेता है। डॉक्टर उसे कुछ टेस्ट के साथ हर हफ्ते चेकअप के लिए आने को कहता है। इसके बाद हम चैंग को देखते हैं, जिसे खुद का ऑफिस मिल चुका था, जहां एक दिन उसकी मॉम अचानक आकर उससे पैसे मांगने लगती है। लेकिन चैंग पैसे देने से साफ इनकार कर देता है, क्योंकि माँ होने के बावजूद भी उन्होंने बचपन में ही उसको अकेला छोड़ दिया था, जब उसको सबसे ज्यादा अपनी मॉम की जरूरत थी। और आज आई भी है तो सिर्फ पैसों के लिए। गुस्से में चैंग की मॉम कहती है कि अब अगर मैं मर भी जाऊं तो मुझसे मिलने मत आना। इसके बाद अगले दिन चैंग सैरा को लेकर अपने गुरु के पास जाता है, जो उसके काम में कमियां निकालने लगता है, शायद इसीलिए क्योंकि वो चाहते हैं कि चैंग एक परफेक्ट इंसान बने। दरअसल मॉम के छोड़ने के बाद गुरुजी ने ही चैंग को पाला है और इस काबिल बनाया है कि वो भविष्य में कभी भूखा ना मरे। चैंग के जाते गुरुजी सैरा से पूछते हैं कि क्या इसने अपनी मॉम के बारे में तुमको बताया है, जिस पर सैरा मना कर देती है। सैरा घर जाकर ड्रॉर में रखी चैंग की मॉम की चीजों को देखकर चैंग से बात करती है। वो उसको समझाती है कि तुम्हें तुम्हारी मॉम की मदद करनी चाहिए। आज वो जेल में है, और अगर आज तुम उनकी मदद कर सकते हो तो क्यों नहीं करते। इतनी नाराजगी ठीक नहीं है। गुस्से से भरा चैंग सैरा से कहता है कि क्या सिर्फ जन्म देना ही माँ का काम होता है, और आज जब मैंने अपनी मेहनत से पैसे कमा लिए हैं तो पैसे मांगने आ गई। लेकिन जैसे तैसे करके फाइनली सैरा उसको मना ही लेती है। अगले दिन चैंग सैरा के साथ जेल में अपनी मॉम से मिलने जाता है। गुस्से में उसकी मॉम उसको बहुत भला बुरा कहती है और उससे पूछती है कि क्या तुमने कभी मेरी जगह रहकर सोचा है। मैं तब सिर्फ 17 साल की थी जब तुम हुए। मैं चाहती तो अबॉर्शन करवा सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। अपनी माँ की बातें सुन चैंग उनके सारे पैसे और लोन्स भर देता है, लेकिन ऐसा करके वो खुद बैंकरप्ट हो जाता है। हालांकि सैरा ऐसा करके अंदर ही अंदर खुश थी, क्योंकि पैसा तो दोबारा कमाया जा सकता है। मगर आज अगर वो चैंग की मॉम को जेल में छोड़ देती तो शायद वो कभी किसी के सामने अपना सर नहीं उठा पाती। वहीं दूसरी ओर सैरा के ऑफिस में उसका एक्स बॉयफ्रेंड वापस आ चुका है, और अब वो सिंगल है, क्योंकि उसकी वाइफ उसको छोड़कर जा चुकी है। इसके बाद हम सैरा को डॉक्टर के पास देखते हैं, जो उसको बताते हैं कि तुम्हें एक रेयर डिजीज है, खासकर तुम्हारी एज ग्रुप में तो और भी ज्यादा रेयर है, तुम्हें अल्जाइमर है। ये सुन सैरा पूरी तरह से ट्रॉमेटाइज हो जाती है। उसके इस बदलते व्यवहार को चैंग नोटिस तो करता है, लेकिन कुछ समझ नहीं पाता। सैरा तहे दिल से अपना सारा समय अब बस चैंग के साथ बिताना चाहती है, क्योंकि उसको पता है कि वो जल्द ही ये सब भूल जाएगी। सैरा अपने ऑफिस जाना भी छोड़ देती है, क्योंकि वापस आते वक्त वो घर का रास्ता तक भूल जाया करती थी। चैंग उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। जवाब में सैरा बताती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चिंता मत करो। वो उसे खाना बनाकर भी देती है, लेकिन चैंग ये देखकर हैरान होता है कि उसके दोनों टिफिन में चावल है। तभी सैरा को उसके एक्स बॉयफ्रेंड का कॉल आता है, जो उसको समझाता है कि प्लीज मेरी वजह से ऑफिस आना बंद मत करो, मैं तुमको परेशान करने नहीं आया हूँ। इस पर सैरा उससे कहती है कि मैं तुम्हें सब कुछ मिलकर समझाती हूँ, लेकिन रास्ते में सैरा सब कुछ भूल जाती है
और अपने एक्स बॉयफ्रेंड को देखकर वो ऐसे बिहेव करती है कि मानो वो दोनों अभी भी साथ में हो। अब इसी बीच सैरा का मोबाइल खो जाता है, जिसको ढूंढते हुए चेंग सैरा के डॉक्टर के पास जा पहुंचता है। डॉक्टर उसको सैरा की कंडीशन के बारे में बताता है, लेकिन वो इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता और उल्टा डॉक्टर से लड़ने लगता है। नर्स आकर उसको समझाती है कि जिस व्यक्ति से तुम लड़ रहे हो, इस व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन इस बीमारी का इलाज खोजने में लगा दिया, यहाँ तक कि उनकी वाइफ की डेथ भी इसी अल्जाइमर की वजह से हुई थी। चेंग डॉक्टर से पूछता है कि डॉक्टर बताओ मैं क्या करूं, कहां पर उसका इलाज कराऊं। डॉक्टर कहते हैं कि तुम बस अब उसके साथ अपना बाकी का समय बिताओ। ये सुन चेंग काफी दुखी होता है। चेंग सैरा को चारों तरफ ढूंढने लगता है और वो फाइनली उसे बेसबॉल कोर्ट में मिली जाती है। चेंग के रिएक्शन को देख सैरा समझ जाती है कि चेंग को सब कुछ पता चल चुका है। दोनों वहीं पर एक दूसरे के गले लगकर रोने लगते हैं, लेकिन अगली सुबह से दोनों बिना हार माने एक छोटी से छोटी बात का नोट बनाकर घर में लगा देते हैं, ताकि जब भी सैरा कुछ भूले तो उनको देख ले। आज शाम को मेरी मॉम का बर्थडे है, इसीलिए सभी फैमिली वाले आज शाम को घर आएंगे, ये बताकर चेंग अपने काम पर चला जाता है। थोड़ी देर बाद सैरा का एक्स बॉयफ्रेंड उसको ऑफिस का सामान वापस करने आता है, लेकिन तब तक सैरा सब कुछ भूल चुकी थी, इसलिए वो उसको अपना ही पार्टनर समझकर घर में ले आती है। कुछ ही समय में चेंग घर वापस आकर सैरा के एक्स बॉयफ्रेंड को अपने घर में देखकर गुस्सा होने लगता है। गुस्साया चेंग उसको मारना चालू कर देता है, तभी वहाँ पर पूरा परिवार भी आ जाता है और इतने लोगों को देखकर सैरा बेहोश हो जाती है। इसी बीच चेंग सभी घर वालों को सारा सच बता देता है। सैरा के फादर उसको समझाते हैं कि तुम अभी भी जवान हो, इसीलिए लाइफ में आगे बढ़ो और सैरा को हमारे साथ भेज दो, लेकिन चेंग ने भी सच्चा प्यार किया है, वो इस बात से साफ इनकार कर देता है। चेंग ने अब काम पर भी जाना बंद कर दिया है और घर में रहकर सैरा की देखभाल करता है। इस बीच उसने उन दोनों के लिए अपना ड्रीम हाउस भी रेडी कर लिया था। कुछ ही समय बाद सैरा को सब कुछ याद आ जाता है और जब चेंग घर पर नहीं होता तभी सैरा उसके लिए एक लेटर छोड़कर वहां से हमेशा के लिए चली जाती है। उस लेटर में चेंग के लिए उसके दिल की बातें लिखी होती हैं। एक लेटर के जरिए हम समझ पाते हैं कि दोनों लोग एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। इतने मुश्किल समय में भी वो दोनों बस एक दूसरे के लिए सोच रहे हैं। ये लेटर पढ़कर चेंग फूट फूट कर रोने लगता है, उसकी आवाज में दर्द साफ दिखाई देता है। सैरा चेंग से प्यार करती है, इसीलिए वो चेंग पर बोझ नहीं बनना चाहती है। वही चेंग जो सैरा से प्यार करता है वो किसी भी हालात में उसको खुद से दूर नहीं जाने देना चाहता। जल्दी चेंग सैरा की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवा देता है, लेकिन इससे भी उसे कोई मदद नहीं मिलती। ऐसे कई दिन गुजर जाते हैं। एक बार फिर हम चेंग को उसी रेलवे स्टेशन पर देखते हैं जहां कभी अपने बॉयफ्रेंड के इंतजार में सैरा बैठी हुई थी। जब चेंग वहां से घर लौटता है तो घर के बाहर पड़े लेटर्स में उसको एक लेटर सैरा का भी मिलता है, जो सैरा ने चेंग के लिए लिखा था। सैरा लेटर में बताती है कि मुझको सब कुछ याद आ गया है और अगर अब मैं सब कुछ भूल भी जाऊं तो एक चीज हमेशा याद रहेगी कि कोई मुझे तुमसे अलग नहीं कर सकता है। जल्द ही चेंग भी उसी जगह पहुंच जाता है जहां सैरा को रखा गया है। सैरा को एक ऐसी जगह पर रखा गया है जहां शहर के सभी अल्जाइमर के पेशेंट्स को रखा जाता है। आखिरकार चेंग सैरा को देखता है, लेकिन वो उसको नहीं पहचान पाती। शायद फिर से वो सब कुछ भूल गई है। सैरा के हाथ में एक नोटबुक थी जिसमें उसने सिर्फ चेंग की ही तस्वीर बनाकर रखी थी। चेंग सैरा को अपने साथ लेकर उसी जगह पर वापस आता है जहां पर इन दोनों की पहली मुलाकात हुई थी। वो लोग उसी कन्वीनियंस स्टोर के बाहर खड़े हो जाते हैं जहां सैरा ने पहली बार चेंग के हाथ से कोक छीन ली थी। चेंग उसको कोक की बोतल दिखाता है। स्टोर के अंदर उनकी पूरी फैमिली, फादर, मदर, फादर इन लॉ, इवन चेंग के गुरुजी भी आए हुए थे। इन सभी को देख सैरा चेंग से पूछती है कि क्या ये स्वर्ग है। चेंग उससे कहता है कि हाँ ये स्वर्ग ही है। चेंग उसको अपनी गाड़ी में बैठाता है और दोनों एक सफर पर निकल जाते हैं। चेंग उसे उसके फेस के जैसा एक आर्टिफैक्ट देकर पहली बार सैरा को आई लव यू बोलता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आज की दुनिया में बहुत ही कम सैरा और चेंग जैसे लोग मिलते हैं जो अंत तक एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते हैं। वेल, इसी ब्यूटीफुल मैसेज के साथ आज के इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। आप हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको इस फिल्म की कहानी कैसी लगी। बाकी मिलेंगे आपसे हम अगली वीडियो में, वो भी एक और मजेदार कहानी के साथ। पर तब तक के लिए धन्यवाद।